तो आइए हम लोग भागवत श्रवण करने बैठे हैं, लेकिन कैसे सुने भागवत, कैसे सुनना चाहिए, नियम क्या है, भागवत सुनने का नियम क्या है। कहा गया ये कल्प वृक्ष है, इससे जो भी मांगेंगे हमको मिल जाएगा, जो भी मांगते हैं मिलता है, लेकिन मिलेगा कैसे, कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। बोले कुछ नियम क्या, बोले कथा सुनने के लिए नाम क्या है इस कथा का, श्रीमद् भागवत। वैसे तो चार शब्द हैं, भागवत चार शब्द है, चार शब्दों का अर्थ निकालिए, बड़ा सुंदर है। कथा सुनने वाले के लिए एक शर्त रखी है, पहले शब्द में ही भा, भासे भक्ति, जो भी भक्त जन भागवत सुनने आवे उसके मन में भक्ति का होना जरूरी है। बोले भक्ति का ना हो, भक्ति नहीं है तो क्या करे, बोले फिर कोई फायदा नहीं, इतना लाभ तो मिलेगा कि यहां जितनी अच्छी जगह पे बैठे हो कम से कम उतनी देर किसी की बुराई नहीं करोगे, उतनी देर जो है किसी का बुरा नहीं करोगे, तो अच्छा तो लगेगा और अच्छाई में जुड़ेगा भी। लेकिन जो कल्प वृक्ष का मतलब जो कहा गया कि इससे वही मिलेगा जो आपको चाहिए, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। क्या करें, बोले भक्ति के साथ भागवत सुने। बोले भक्ति ना हो तो एक दिन में तो भक्त बन नहीं सकते, बोले एक दिन में नहीं बन सकते भक्त तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त बनने का भाव तो जागृत कर सकते हो। हमारे मन में कन्हैया के चरणों की भक्ति आ जाए, हमारे मन में श्री राधा रानी के चरणों की भक्ति आ जाए, ऐसा भाव तो जागृत हो सकता है कि नहीं, भाव तो अभी प्रकट हो जाएगा, अभी मन में लाओ अभी हो जाए। भक्त बनते बनते समय लग सकता है, लेकिन भाव को आने में समय नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, धीरे बोलना नहीं तो पड़ोसी सुन लेंगे, और पड़ोसी ने सुन लिया तो उसका खामा खा भला हो जाएगा, शर्म आ रही होगी, ब्रजवासी कभी शर्म करते हैं, जवाब दीजिए। अब जो दूर से आए हैं इनको बेशरम बनाने में तो ब्रजवासियों को हाथ मिलाना पड़ेगा ना, काफी दूर दूर से हमारे भक्त जन आए हैं, और कन्हैया की भक्ति करनी है तो बेशरम बन के करो, शर्मदार बनने की जरूरत नहीं। हम लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं, मन क्रम वचन से श्रवण कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत, भाष्य भक्ति, भक्ति का होना आवश्यक है। मीरा ने कहा था कि मैं पुरुष से नहीं पुरुषोत्तम से बात करती हूं, मैं नर से नहीं नारायण से बात करती हूं, और जब समझ में नहीं आया तो मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बोले तो, बोले ऐसी लागी लगन, क्या हुआ, मीरा का प्यार भाव। एक बार मीरा नाम निकल जाए तो भक्ति की धारा बह निकलती है। दुनिया की नजर में मीरा बेशरम थी, लेकिन मेरे कन्हैया की नजरों में क्या थी, मीरा विद्वान थी, जवाब दीजिए, विद्वान थी, पोथी पढ़ी थी, पुराण पढ़े थे, वेद अध्ययन किया था, क्या किया था, सिर्फ गिरधर के पीछे गिरधर के गुणानुवादों का गान किया था, और उसी गिरधर से मोहब्बत की, और उसी मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ते 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 उस मंजिल पर पहुंच गई जिस मंजिल को हम सब पाने के लिए जन्म जन्म से तरसते चले आ रहे हैं, और आज तक वो मंजिल नहीं मिली। जिस दिन ये मंजिल मिल जाएगी दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के इस ऊंची जगह पर बैठकर कथा कहना क्या विद्वत्ता है, जवाब दीजिए, विद्वत्ता है। आज कथा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिसे भी देखो वो कथा कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कथा कह किस भाव से रहा है, उसे प्यार है कि नहीं। सुखदेव जी कथा कहे, गोपी कथा कहे, तो गोपी कहे तव कथा अमृतम तृप्त जीवन।
जीवन में कुछ और नहीं, तब कथामृतम तृप्त जीवनम, तेरी कथा सुनकर जीवन तृप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ये कथा का विषय है। कहने वाला और सुनने वाला दोनों तृप्त हो कथा से। विद्वत्ता का विषय तो है ही नहीं कथा। अरे भाई, हमें कन्हैया की कथा कहनी है, राधा कृष्ण की कथा कहनी है, दुनिया की कथा नहीं कहनी। और दुनिया को मनाने की जरूरत क्या है? मनाना है तो श्याम को मनाओ, मनाना है तो घनश्याम को मनाओ। और वो भाव, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें बेशरम बनकर भक्ति करनी पड़ेगी, शर्मदार बनने की जरूरत नहीं है। और अगर शर्मदार बनना है तो फिर आराम से घर में बैठकर खंजरी बजाते रहो, मजीरा बजाते रहो, किताबों को पढ़ते रहो, वेदों का अध्ययन करते रहो, पुराणों का अध्ययन करते रहो, और करते करते जब वृद्ध हो जाओ तब मन में विचार करना कि अब कथा करनी है। और जब तक कथा करोगे तब तक वहां से बुलावा आ जाएगा, और जब बुलावा आ जाए तो एक बात जरूर कहना जाने से पहले, राम नाम। क्या कहेंगे? राम नाम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित। तो पहला शब्द तो भाव, भाव से भक्ति। और अगर भक्ति ना आ पाए तो भाव होना बहुत जरूरी है। भाव होगा तो भागवत श्रवण करने के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं। दूसरा शब्द गा, गा से ज्ञान। अगर भक्ति के साथ कथा सुनोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बोले भागवत सुनकर, भक्ति के साथ भागवत सुनोगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब ज्ञान के साथ भागवत सुनोगे तो तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा शब्द वा, वा से वैराग्य। तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य कितना? अब देखो भाई, घर छोड़ देने को वैराग्य कहते हैं। कमंडल ले लिया, एक धोती नीचे, एक गमछा ऊपर, घर छोड़ छाड़ के निकल गई, इसको वैराग्य कहते हैं। और वहां जाकर भी याद आती रहे, वृंदावन में बैठे माला जप रहे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, और वहां पर भी घर की याद आ रही है, न जाने बेटा क्या कर रहा होगा, न जाने मेरी पत्नी पीछे रो तो रही होगी। अरे जब वैराग्य धारण किया तो वहां की याद क्यों, किस लिए? वैराग्य मतलब घर छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते। बोले तो वैराग्य होना जरूरी है। तो कैसे हो? बोले वैराग्य एक हिसाब थोड़ा सा बदल लीजिए अपना। बोले क्या बदले? बोले घर में रहकर वैरागी बन जाओ। घर से दूर रहोगे तो घर की याद आएगी, घर में रहकर अगर तुम्हें सामरिया की याद आवे तो इस वैराग्य से बड़ा कोई वैराग्य नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। घर में रहकर उसकी याद आनी चाहिए, घर से बाहर तो फिर तो ठीक। तुलसीदास बाबा के विषय में बहुत अच्छा, तुलसीदास बाबा की एक दृष्टांत बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक भक्त था, गंगा के उस पार से डेली कथा सुनने आता था, डेली। और जब शाम को कथा विश्राम हो जाती, सत्संग विश्राम होता, तो उस पार चले जाते, अपने गंगा पार करके अपने गांव चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि जब कथा के बाद वो गए तो कथा सत्संग होते 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 थोड़ा विलंब हो गया, और जब थोड़ा विलंब हो गया तो उनकी जो आखिरी नाव थी उस पार जाने वाली, वो चली गई, निकल गई। और जब वो नाव निकल गई तो मन में ख्याल आया, उदास हो गए, अब कैसे जाऊंगा उस पार, ये सोचकर वापस आ गए। और जब वापस आए, तुलसीदास बाबा ने पूछा, अरे उदास क्यों हो? बोले बाबा आखिरी नाव चली गई। अरे तो रोता क्यों है, उदास क्यों होता है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे क्या हुआ, नाव चली गई तो कल फिर तुझे आना था, आज यहीं बैठ मेरे साथ, देख तू भी कथा सुनी और मैं भी कथा सुन तुझे सुनाऊंगा, जैसा मैं खाऊं वैसा तू खा लेना, शाम रात को सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी, टेंशन क्यों लेता है।
बोले बाबा मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मैं उस पार नहीं गया, अपने गांव नहीं गया। बोले तो? बोले वहां जाकर मुझे एक सुख की अनुभूति होती थी। बोले क्या? बोले जब मैं वहां जाता था तो वहां पहुंचकर मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता था। आज बाबा ने यह सुनाया, आज बाबा ने यह सुनाया, आज बाबा ने यह सुनाया, आज मेरे राम जी की ये कथा सुनाई, आज मेरे राम जी की। तो मतलब वहां रहकर भी मैं वहां नहीं था, मैं यहां था और सिर्फ प्रभु के और आपके बारे में सोचता रहता था। लेकिन आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? बोले आज मैं वहां नहीं गया तो आज मैं यहां रह गया हूं। बोले तो क्या हो गया? बोले आज यहां रहकर मैं अपने घर वालों के बारे में सोचूंगा, मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कहीं नाव में तो नहीं डूब गया, नाव डूब गई हो, गंगा में बह गया हो, कोई सोच रहा होगा आए क्यों नहीं, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा महाराज। अर्थात वहां रहकर आपकी याद और यहां रहकर उनकी याद। तो वहां रहकर आपकी याद करना अच्छा है, यहां रहकर उनकी याद करना अच्छा। तुलसीदास बाबा भाव को समझ गए। तुलसीदास बाबा ने एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पर कुछ लिखा और कहा आंखें बंद करके जाना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी में बंद कर ले और एक काम करिए। बोले क्या? बोले सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि। सिर्फ सीताराम सीताराम कहता वो चला जाना। ऐसे ही की आंखें बंद की, सीताराम सीताराम कहते कहते चले गए, गंगा में ऐसे चलने लगे जैसे पृथ्वी पर चलते, निकल गए, घर पहुंचे। तुलसी ओ पत्ते को देखा, आखिर बाबा ने दिया क्या, ख्याल आया देखूं तो सही क्या है। तो उस तुलसी के पत्ते को देखा और उस पे लिखे हुए सीताराम नाम को देखा, और जब नाम को देखा तो आंखों में आंसू आ गया। ये नाम ही की तो महिमा है, प्रभु मुद्र का मेल मुख माही जलंध लांग गयो। अच्छा, जिस नाम को लेकर हनुमान समुद्र पार कर जाए तो कौन सा आश्चर्य। बोले क्यों? बोले इसी नाम को लेकर तो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर की धार बहुत गहरी है साहब, समुद्र से ज्यादा गहरी है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो वैराग्य इतना होना जरूरी है कि घर में सांवरिया की याद की जाए, घर में रहकर घर की याद ना हो, वो सबसे बड़ा सर्वोपरि वैराग्य है। ता अंतिम में आता है ता शब्द, ता से त्रिणोद्धार अर्थात मोक्ष। जब हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो अंत में हमारा मोक्ष हो जाता है, ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे।